नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है। इसी बीच सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर रही है कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाए। वही सपा भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि यूपी के माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। एक तरफ यूपी की योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर कड़ी कार्रवाई करने में व्यस्त है, तो अब खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी सपा के टिकट पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने ये जानकारी साझा की है कि मुख्तार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट कौन सी होगी ये वक्त बताएगा। उन्होंने आगे यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी को जान का बहुत खतरा है, बस ऊपर वाला ही उन्हें बचा रहा है, उन्हें सरकार में बैठे सारे लोगों से खतरा है। बता दें कि सिबकतुल्ला मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने सपा कार्यालय पहुंचे थे। उधर बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के नाम से लखनऊ में खरीदी गई करोड़ों की जमीन को आजमगढ़ पुलिस ने रविवार को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई जमीन 194 वर्ग मीटर है और ये जमीन विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित है। जमीन पर पहले पेट्रोल पंप था और जमीन नजूल की थी, जिसे अवैध रूप से खरीदा गया था। आजमगढ़ पुलिस ने तरवा थाने में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। कुर्क की गई जमीन की सर्किल रेट के अनुसार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। वहीं सामान्य बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार माफियाओं और दंगाइयों पर शिकंजा कस रही है, वहीं समाजवादी पार्टी माफियाओं को श्रेय दे रही है, यहां तक कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या सपा गुंडे माफियाओं के दम पर विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिशों में है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर दीमक की तरह प्रदेश को खोखला करने वाले माफियाओं को सपा अपनी शरण क्यों दे रही है? कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।